आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशनशिप्स और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स। हमने पहले तमाम नेबर जो है उनको डिस्कस कर लिया है, हमने पाकिस्तान के सुपर पावर यूज़ के साथ रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर लिया है। हमने अब जो है वो थोड़ा सा इस रीजन से बाहर निकलना है और पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप्स और पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशनशिप्स जो है उनको हमने आज पढ़ना है, और इसके बाद हम रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा 50% कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप्स, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो क्रेडल ऑफ और इस्लाम है। हम लोगों को ये मानना है सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे इस्लाम की दो मुकद्दस तरीन जगह हैं, मक्का और मदीना में, और हर साल जो है वो हज बैतुल्ला के लिए और उमरा अदा करने के लिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से जो है सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करते हैं। सऊदी अरेबिया का नाम पहले जो है वो क्या था, अब क्या है, ये लोग आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। सऊदी अरेबिया का नाम जो है वो सऊदी अरेबिया क्यों रखा गया, इससे पहले सऊदी अरेबिया क्या नाम था, और आई होप आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें मिलेंगी इसके हिस्ट्री के बारे में। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा एक दफ़ा फातिमा इसको, तो फिर जो है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। अल सऊद, बिल्कुल आले सऊद की वजह से, आले सऊद की हिस्ट्री जो है ना वो भी आप लोगों को पता लगेगी। पता नहीं लैपटॉप क्या हो गया, ये फुल स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। हिजाज ओल्ड नेम, बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप चाहिए हमने आज करने हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो गल्फ ऑफ ओमान है, उसके बाद ओमान आता है, यूएई आता है, और उसके बाद कतर है, और पर्शियन गल्फ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इसको, फिर यमन है इधर, और यमन के साथ जो है वो रेड सी है, और रेड सी की तरफ से भी सऊदी अरेबिया को एक्सेस किया जा सकता है। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो डायरेक्ट कोई सरहद नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान के एक नेबरहुड में सऊदी अरेबिया जो है वाक़ है। हिस्टोरिकली जो है वो हमारे क्लोज और एक्सट्रीमली फ्रेंडली हमारा नेबर है, नेबर ही कह सकते हैं इसको, हिस्टोरिकली क्लोज और एक्सट्रीमली फ्रेंडली है, हमारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप है, हमारा क्लोजेस्ट मुस्लिम एलाई है हमारा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया जो है वो क्लोजेस्ट मुस्लिम एलाई इस वजह से है कि इसके पीछे एक पूरी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स में, कि बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के कमर्शियल कल्चरल रिलीजियस और पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हैं। कमर्शियल की अगर हम बात करें तो हम जो है वो सऊदी अरेबिया के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम उनके जो है वो कंज्यूमर हैं, हम उनसे जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो अपने मुल्क में जो है वो हम लाते हैं, और उनको जो है वो रिफाइन करके जो है वो हम पूरे मुल्क में सप्लाई होती है, हम उनको यूज़ करते हैं। कल्चरल हमारे उनके साथ इस किस्म के टाइज हैं कि वो भी इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, और हम ये समझते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो क्रेडल ऑफ इस्लाम है, और इस्लाम का जो एक मरकज़ एक माखज़ और मंबा जो है वो सऊदी अरेबिया है, और वो हमारे जो दो मुकद्दस तरीन जगह हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक जो है वो सारे तहजीब के अंदर, वो मक्का और मदीना वो दो मुकद्दस तरीन जो जगह हैं वो सऊदी अरेबिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान से हर साल जो है वो उमरा करने और हज करने जो है वो लाखों लोग जो है सऊदी अरेबिया का विजिट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है सऊदी अरेबिया को मतलब वहाँ जाके जॉब्स करते हैं। उसके अलावा पोलिटिकल रिलेशनशिप्स हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हैं, और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ आज जो है वो अपने डिफेंस के वाले से जो पाकिस्तान के साथ एक बड़ा क्लोजेस्ट कॉपरेशन है। पाकिस्तान ये समझता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लाम का मरकज है, तो ये हमारा एक दीनी और मिली फरीजा है कि हम सऊदी अरेबिया की हिफाजत करें। तो सऊदी अरेबिया पे किया गया कोई भी हमला जो है उसको हम अपने पे किया हुआ हमला जो है कंसिडर करते हैं, और हमारे जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी हम उनको आर्म्स पर ड्यूस करके देते हैं, हम उनको जो है वो हर तरह सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक जो है वो हमारा कॉपरेशन होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो 1947 में पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अब तक हमारे जो है उनके साथ बड़े एक्सटेंसिव किस्म के और बड़े जो है ना वो एक डायनेमिक किस्म के जो है वो ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इज मेंटेन्ड यूनिक पोजीशन टू असिस्ट सऊदी अरेबिया विद इट्स डिफेंस नीड्स। पाकिस्तान के साथ हमेशा ये स्टांस है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को उसकी डिफेंस नीड्स पूरी करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है। पाकिस्तान पे पाकिस्तान जो है वो हर तरह के आर्म्स जो है वो सऊदी आर्मी को प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, उनको जो है वो हर तरह की जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे सऊदी अरेबिया के साथ होती है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो लीडिंग मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के, ठीक है।
तो सर उसके अलावा जो है वो अभी रिसेंटली एक IMCTC बना है, इस्लामिक मिलिट्री कोएलिशन, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन जो अभी बना है, वो भी सऊदी अरेबिया के जो है वो उसमें रियाद में उसका है हेड ऑफिस हेडक्वार्टर, और मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनके एक विजन के मुताबिक ये बना है, और उसका जो हेड लगाया गया है वो जनरल रहील शरीफ को लगाया गया है। तो ये भी एक हमारे उनके साथ एक कॉपरेशन की एक कड़ी हो सकती है। उसके अलावा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग पाकिस्तान वॉर विद इंडिया स्पेशली 1971, सऊदी अरेबिया स्टांस रहा है कि वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे जो है वो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करते, और सऊदी अरेबिया के हमेशा से पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ वॉर्स हुई उनमें एक बड़ा क्लियर कट स्टैंड है, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा होता रहे, और सऊदी अरेबिया वो वाहिद मुल्क है जो अरेबियन गल्फ में जो है वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर पे, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे, उसको जो है वो बड़े एक्सप्लिसिटली जो है वो एंडोर्स भी करता है और उसको सपोर्ट भी करता है, और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इंडो पाकिस्तानी पीस प्रोसेस में सऊदी अरेबिया जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और पाकिस्तानी पोजीशन को हमेशा से वो जो है वो सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट करता है। और इसके बाद जो है वो अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंसिव फाइनेंशियल और मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो हमेशा जो है वो हमें सऊदी अरेबिया से मिलती है, और हमारा कोई भी काम रीजन में जो होता है वो सऊदी अरेबिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ने अगर तालिबान को सपोर्ट करने की, अफगान मुजाहिदीन को ब्रीड करने की, अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करके उनको खड़ा करने की, उनको आर्म्स प्रोड्यूस करने की, उनको ट्रेनिंग्स देने की, या उनको जो है वो एक डॉलर्स की सूरत में जो है वो इमदाद देने की, जो भी हमने सारा हमारा वो चक्कर चला था उसमें सऊदी अरेबिया जो है हमारे साथ खड़ा था। और UAE सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो तीन स्टेट्स हैं जिन्होंने तालिबान के रूल को अफगानिस्तान में जो है वो सपोर्ट किया था और उसको रिकग्नाइज़ किया था। इसके अलावा किसी दुनिया में किसी मुल्क ने जो है वो तालिबान के रूल को अफगानिस्तान में रिकग्नाइज़ नहीं किया, पाकिस्तान UAE सऊदी अरेबिया ने रिकग्नाइज़ किया था। द ओनली कंट्री दैट वॉज टेकन इन कम्प्लीट कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान डिसीजन टू परफॉर्म एटॉमिक टेस्ट इन द रीजन ऑफ द चागे हिल्स। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, हालांकि ईरान की सरहद जो है वो चागे हिल के बहुत करीब थी, और ईरान को बहुत सारे तहफ़ात थे कि इस एटॉमिक डेटोनेशन, इस एटॉमिक टेस्ट के नतीजे में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जो रेडियो एक्टिविटी बॉर्डर के पार ईरानियन टेरिटरी में मौजूद ईरानी पीपल को जो है वो मुतासर करेगी, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर सऊदी अरेबिया को इंटरेस्ट में लिया, पाकिस्तान ने उस पर जो है वो ईरान को इंटरेस्ट में, ईरान को जो है वो ट्रस्ट में नहीं लिया था, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को ट्रस्ट में लिया था। मिलिट्री कोऑपरेशन एक्सटेंसिव सपोर्ट आर्म्स एंड ट्रेनिंग फॉर द सऊदी अरेबियन मिलिट्री, सऊदी अरेबियन मिलिट्री जो है उसके पाकिस्तान में कोर्सेज होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उनको हर तरह की जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, और हमारे जो है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी होती हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव सऊदी रिलीजियस एंड एजुकेशनल एड टू पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो है वो रिलीजियस एड भी देता है पाकिस्तान को, मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों को भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान प्रॉक्सीज चला रहा है वाया दिस काइंड ऑफ रिलीजियस एड, तो वो जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान में चल रही हैं वो भी पाकिस्तान में पैसा आता है, जो इस सऊदी अरेबिया के जो लाइक माइंडेड स्कूल थॉट्स उनकी सैलरीज को चलाने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, और उसके अलावा जो एजुकेशनल एड जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टूडेंट को स्कॉलरशिप जो है सऊदी अरेबिया देता है हर साल अपनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में। अब सऊदी अरेबिया से हमारे तालुकात तो अच्छे हैं, लेकिन इस सारे जो है मिडिल ईस्ट वर्ल्ड रीजन के अंदर जो है वो एक रिफ्ट, एक वॉर चल रही है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, इसको हम एक मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं। ओके आगे चलते हैं, तो ये इनकी राइवलरी चल रही है रीजन के अंदर, और ये राइवलरी जो है वो बड़ी शदीद है, पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इनकी सऊदी ईरान राइवलरी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप जो है वो इस सऊदी ईरान जो है वो राइवलरी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। रिलेशन स्ट्रेंड ओवर डिफरेंट जियो पॉलिटिकल इशूज सच एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एस्पायरेशन फॉर लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब ये दो अहम पॉइंट है, सबसे पहले तो ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, पाकिस्तान में जो स्टेट सेक्ट है या पाकिस्तान एक अहले सुन्नत कह सकते हैं, मैं इस पर किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक मतलब मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहले सुन्नत मेजॉरिटी में है, और पाकिस्तान के अंदर जो अहले सुन्नत सेक्ट के लोग हैं वो मेजॉरिटी में है, और उनकी अथॉरिटी भी है, मतलब पाकिस्तान एक तरह से अहले सुन्नत स्टेट है, जिस तरह ईरान अहले तशीअ स्टेट है और सऊदी अरेबिया जो अहले वहाब की स्टेट है, इस तरह जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं पाकिस्तानी मेजॉरिटी में, तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की स्टेट है। पाकिस्तान में जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम सऊदी अरेबिया में उससे थोड़ी डिफरेंट है, तो हमारा जो मेजर जो है ना वो एक इशू दोनों के दरमियान वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम पे, वो इस्लाम को जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं हम इस्लाम को उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करते।
तो एक तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है सऊदी अरेबिया के साथ, सेकेंडली जो है वो लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब ये जो तीन एक तकोन समझ लें कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और ईरान की एक तकोन बनी हुई, तीनों जो मुल्क हैं, जो पावरफुल मुल्क हैं इस रीजन के भी और इस्लामिक दुनिया के भी, उन तीनों ममालिक के अंदर जो इस्लाम का वर्जन फॉलो किया जाता है वो डिफरेंट है। सबसे पहले अगर अहले तशी के मुल्क को देखें तो वो ईरान हमारे सिर में फौरन आता है कि वहाँ पे जो है वो शीयत को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो शीयत बिरादरी बैठी है वहाँ पे। पाकिस्तान अहले सुन्नत स्टेट, सऊदी जो हैं वो वहाबिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, वहाबिज़्म या सलाफी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको फॉलो करते हैं। हम जो है वो अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, ईरान जो है वो अहले तशी या जो है ये आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कपल फिशा, मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसको जो है ना वो एक मतलब ना डाइजेस्टेबल फॉर्म में रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से कोई ऐसी बात करूँ जो आप लोगों को किसी के जज्बात मजरूह करे या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो इसको आप लोग खुद सर्च कीजिएगा। 50% of oil trade of Saudi Arabia is done through Strait of Hormuz and Iran has strong influence on the Gulf Strait of Hormuz is also part of Colombia. ये बिल्कुल कह सकते हैं, ये तो है ना, आपने एक एस्पेक्ट बताया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट है जो मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं, आपने इसको जो है वो पढ़ा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ जहन में आई है, आपके आदमी लिखता है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आप इसको जो है वो स्टडी करें। ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एस्पायरेशन है सऊदी अरेबिया की, एस्पायरेशन ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो सरबराह सऊदी अरेबिया हो। ईरान की भी यही एस्पायरेशन है कि इस्लामिक दुनिया का सरबराह जो है वो ईरान हो, और पाकिस्तान की तो फिर ये है ही है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान को अपने लीडर तस्लीम कर ले, क्योंकि हमारे पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब है जो किसी और के पास नहीं है। तो ये चीज़ें तो इन तीनों मुल्कों के दरमियान जो है वो एक ही राइवलरी चल रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, बिल्कुल वहाबी अहले हदीस कह सकते हैं आप। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम का फर्क है ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में, और एस्पिरेशन फॉर लीडरशिप फॉर इस्लामिक वर्ल्ड है वो भी मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। उसके अलावा ऑयल एक्सपोर्ट पॉलिसी है, सऊदी अरेबिया विद इट्स लार्ज ऑयल रिजर्व एंड स्मॉलर पॉपुलेशन हैज अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन टेकिंग ए लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट एंड इंसेंटिव टू मॉडरेट प्राइसेस। In contrast, Iran is compelled to focus on high prices in the short term due to its low standard of living given recent sanctions after a decade old war with Saddam's Iraq. अब ये जो है ना वो एक रमस्टी के बात करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ईरान की एक वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन के इराक के साथ, वो वॉर तकरीबन 10 साल चली थी और पाकिस्तान ने इस सारी वॉर के अंदर जो है वो सपोर्ट किया था ईरान को। अब ये जो है ईरान जो है उसको पहले तो इस वॉर की वजह से, उसके बाद उसकी जो है वो खुमैनी के इनकलाब की वजह से, इस वॉर की वजह से, और उसके बाद जो है वो ईरान की जो है वो न्यूक्लियर एम्बिशंस की वजह से जो ईरान पे वक्तन जो है वो सैंक्शंस लगती रही हैं, और वो सैंक्शंस काफ़ी हार्ड सैंक्शंस थी, और इन सारी सैंक्शंस के बावजूद जो है वो ईरान की इकॉनमी जो है वो बहुत वीक हो चुकी है। अब ईरान की इकॉनमी वीक है तो ईरान का ये फोकस है, उसका ये नेशनल इंटरेस्ट है कि वो ऑयल की प्राइसेस को हाई रखे, और ऑयल की प्राइसेस को हाई रखने से क्या फ़ायदा होगा, अभी शॉर्ट टर्म में जो ईरान को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस ऑयल की एक्सपोर्ट से प्रॉफिट होगा। अब हालांकि ईरान पे सैंक्शंस है, ईरान जो है वो अपनी मतलब ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ मुल्क हैं जैसे चाइना और इंडिया वो ईरान के साथ बड़े खुल्लम खुला ट्रेड कर रहे हैं, वो जो है ईरानी ऑयल के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। सऊदी अरेबिया ऑन द अदर हैंड जो है वो कहता है कि नहीं, आप जो है वो इनको जो है वो ऑयल बिल्कुल प्राइसेस को हाई नहीं रखना चाहिए, प्राइसेस को लो रखना चाहिए, ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर हम जो है वो इंसेंटिव दें ताकि जो है प्राइसेस को मॉडरेट रखा जाए। जब प्राइसेस मॉडरेट होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो ईरान को उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा जो है ईरान इस ऑयल से उठाना चाह रहा है, और जब ईरान को इस ऑयल से फायदा नहीं होगा तो ये सऊदी अरेबिया की एक प्राइम अचीवमेंट होगी इस सारे रीजन के अंदर। तो सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो भी मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। चलें ठीक है, चलें मैं आगे चल। उसके बाद जो है रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। अब जो है ईरान पहले किसी दौर में था ईरान US के क्लोजेस्ट एलाई और वेस्ट के क्लोजेस्ट एलाई, लेकिन अब ईरान जो है वो US का एलाई नहीं है, और US का एलाई अब कौन है इस रीजन में, वो सऊदी अरेबिया, और US का जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो बड़े अच्छे किस्म के ताल्लुकात हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि US जो है वो सऊदी अरेबिया में एक न्यूक्लियर जो है वो
प्लांट लगाने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्लांट लगाने वाला है, और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया का प्लांट जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी मुहैया कर दी जाए। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है। ईरान ये चाहता है कि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो इस रीजन से किक आउट करे यूएस को, लेकिन जो है यूएस के जो है वो सऊदी अरेबिया के जो है वो क्लोज नेशनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं यूएस के साथ। तो ये जो है मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस इन दोनों मुल्कों के दरमियान। उसके अलावा जो है वो सऊदी अरेबिया जो है इज राइट विंग कंजर्वेटिव सुन्नी इस्लामिक किंगडम। अब ये सुन्नी इस्लामिक किंगडम मैंने इस वजह से लिखा है कि जब आप लोग सर्च करेंगे इसको इंटरनेट पे तो आप लोगों को बिल्कुल पता लग जाएगा भाई सुन्नी इस्लाम की वहाँ पे कितनी परसेंटेज है और वहाबिज्म की वहाँ पे कितनी परसेंटेज है और वहाँ के हुक्मरान जो है वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते हैं और बेसिकली जो स्टेट स्कूल ऑफ थॉट है वो कौन सा फॉलो किया जाता है। तो आप लोगों ने इस पे सर्च जरूर करनी है कि सऊदी अरेबिया का जो है वो कौन सा सेक्ट है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम वो फॉलो करते हैं और सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री क्या है। ट्रेडिशन ऑफ क्लोज टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। अब सऊदी अरेबिया के जो है क्लोज टाइज है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूके के साथ और फ्रांस के साथ। ईरान जो है वो 12वां शिया इस्लामिक रिपब्लिक है। किस किस को पता है ये 12वां क्या होता है? 12वां का किस किस को पता है यहाँ पे? बिल्कुल 12 इमाम, बिल्कुल। तो ईरान जो है उसका ये बिलीव है कि 12 इमाम, वो 12 इमामों पे बिलीव करता है, तो इसको 12वां कहते हैं। इस तरह कुछ लोग हैं जो 8 इमामों पे बिलीव करते हैं, कुछ 24 इमामों पे बिलीव करते हैं, उस हिसाब से उनका जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो है ये वाला इसका ईरान का जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है वो 12 इमामों को मानता है, 12वां शिया इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं इसको ईरान को। और जो है इसके क्लोज टाइज है रशिया के साथ, चाइना के साथ, जर्मनी के साथ। अब जो रशिया और चाइना जो है वो यूएस के मतलब एक तरह से अगेंस्ट है सारे रीजन के अंदर। तो ये एक ब्लॉक बना हुआ है चाइना का, रशिया का और ईरान का, और दूसरी तरफ जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का, और इसके अलावा जो है वो उसका यूएस के साथ और इंडिया के साथ। तो ये एक जो है ना वो रीजन के अंदर एक रिफ्ट सी चल रही है, और दरमियान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी चाह रहे हैं। ये भी बेसिकली पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है जो पावर्स के साथ और फॉरेन जो है पावर्स के साथ जो इनकी आपस में है रिलेशनशिप्स हैं। सऊदी अरेबिया ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद ईरान ऑन जनवरी 4, 2016। अब जनवरी 4, 2016 में सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो खत्म कर दिए थे और अपने जो डिप्लोमेटिक मिशन हैं तेहरान में और मशहद में उनको वापस बुला लिया था। इसके अलावा जो है रिसेंट इवेंट्स में जो है वो 2016 की बात है कि 47 पीपल रिपोर्ट डेथ इन सेवरल सऊदी सिटीज इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट शिया क्लैरिक निमरल निमर। तो ये काफ़ी मशहूर अहले तशीक है निमरल निमर, इनको जो है वो सजा दे दी गई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और इनको जो है वो वहाँ पे जो है वो डेथ सेंटेंस दिया गया था सऊदी अरेबिया की सिटी में 2016 में। और सिर्फ इनको ही 47 और जो है वो लोग थे जो मुख्तलिफ सऊदी सिटीज़ में रह रहे थे जो इरानियन थे बेसिकली, और उनको जो है वो डेथ सेंटेंस दिया गया सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस इवेंट के बाद जो है सऊदी ईरान जो है वो रिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई थी और सऊदी अरेबिया ने जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज अपने ईरान के साथ ख़त्म कर दी। हालांकि इस सब के बाद जो है मतलब इधर सऊदी अरेबिया ने ही किया था, 2 जनवरी को सऊदी अरेबिया ने ही 47 लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस दिया था, लेकिन दो दिन बाद सऊदी अरेबिया ने ही अपने सारे तलुकात जो है वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तलुकात हर तरह के ख़त्म कर लिए थे। इसके बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे इन एग्जीक्यूशन के बाद जो है, और बहुत सारे जो है वो लोगों ने डेमॉन्स्ट्रेट किए थे ईरान के कैपिटल तेहरान में भी, ईरान के मेन मेन सिटीज़ मशहद में भी, जहरान में भी और काफ़ी सारे और सिटीज़ में। तो सऊदी एम्बेसी जो है वहाँ से जो है वो सऊदी अरब का जो डिप्लोमेटिक वाला था उनको जो है वो वापस भेज दिया गया था, उनको मुल्क बदर कर दिया गया था। ये काफ़ी जो है वो टेंशन जो है वो इनकी आपस में बढ़ गई थी। जनवरी 2016 को फॉरेन मिनिस्ट्री अनाउंस दैट इट वुड कट डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान। उसके अलावा जो है हूती रेबल्स का मामला जो है, हूती रेबल्स जो है ये वो रेबल्स हैं जो यमन में सऊदी अरेबिया और यमनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और एलिजिडली जो है वो ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है इस रीजन में। और आए दिन हम सुनते हैं न्यूज़ के अंदर कि सऊदी अरेबिया के फलां शहर पे हमला किया गया, सऊदी अरेबिया के फलां शहर पे रॉकेट से हमला किया गया। अब ये हूती रेबल्स जो है ये कौन है, इनके पास रॉकेट्स कहाँ से आए? तो सऊदी अरेबिया के ये इल्ज़ाम है कि ईरान जो है वो इनको मटीरियल और मॉरल सपोर्ट देता है, और इस मटीरियल और मॉरल सपोर्ट की वजह से वो ये रेबल्स जो है वो दिन ब दिन जो है वो ताकतवर होते जा रहे हैं, और इन रेबल्स के ताकतवर होने की वजह से जो है वो जो
سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے کا یہ قابل ہوا ہے ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یو ایس بیک آؤٹ کر گیا تھا نیکوا سے, نیکوا جے سی پی او اے پی فائیو پلس ون, یہ جو ہے یہ اس مطلب اس ایگریمنٹ کا نام ہے جو یو ایس نے نیوکلیئر آرمز ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ. اس میں صرف اس ڈیل میں مطلب صرف یو ایس اور ایران شامل نہیں تھے, اس میں پی فائیو پلس ون, پی فائیو کا مطلب پرماننٹ فائیو. پرماننٹ فائیو یو این کے کون کون سے ہیں؟ چائنا ہے, رشیا ہے, یو ایس ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ یو کے ہے اور فرانس ہے. یہ پانچ پرماننٹ فائیو سیٹس پہ براجمان ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جرمنی, یہ چھواں ملک جو پی فائیو پلس ون, جو پلس ون ہے یہ جرمنی کو ڈینوٹ کرتا ہے. پی فائیو کا مطلب ہے یو کے, یو ایس اے, چائنا, رشیا اور فرانس. تو یہ پانچ پرماننٹ ملک پرماننٹ سیٹ ہولڈر جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے, اور چھٹا ملک جو ہے وہ جرمنی تھا. ان چھ ملکوں کی ڈیل ہوئی تھی ایران کے ساتھ 2016 میں. اس ڈیل میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ انہوں نے وہ مطلب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو شٹ آف کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ڈیل تھی کہ ایران جو ہے وہ اتنے عرصے کے لیے اپنی نیوکلیئر ایمبیشنز کا کام نہیں کر سکتا, اور اپنی جو ہے وہ ہر طرح کی جو مطلب وہ اٹامک بم بنانے کی جد و جہد کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے اسٹاپ کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب یو ایس اس ساری چیز سے نکلا تو سعودی ایران نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سعودی عربیہ کی مطلب ایک طرح سے سپورٹ کی طرف دیکھا گیا. یہ سارا جو ہے وہ یو ایس نے یہ کام جو ہے وہ سعودی عربیہ خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ بھی ایک میجر پوائنٹ آف ڈائیورجنس بن گیا. ایران کی ایسپائریشن ہے کہ وہ اس کی ایمبیشن ہے کہ وہ نیوکلیئر مطلب ٹیکنالوجی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جبکہ سعودی عربیہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی آ جائے, ایران جو ہے اس ساری ریجن کا جو ہے وہ ایک ہیجمن بن جائے. تو یہ بیسیکلی ہیجمنی کی جنگ ہے جو آپ نے آئی آر میں پڑھا ہوگا اس کو. ایران اور جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے یہ دونوں پارٹیز ہیں. سیریا میں بھی, سیریا میں جو ہے وہ ایران اور رشیا جو ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ریبلز ہیں اور جو وہاں کے جو ہے وہ مسلم ملٹنٹ ونگز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یو ایس اور سعودی عربیہ اور کچھ اور ریجنل پاورز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو ہے وہ میجر پوائنٹ آف ڈائیورجنس ہے ان دو ملکوں کے درمیان, جو سیریا میں جو ایک یہ وار کر رہی ہے اس میں بھی. اس کے علاوہ اسرائیل فیکٹر ہے, سعودی عربیہ جو ہے کلوز ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ, جبکہ ایران کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی ٹائز نہیں. ایران جو ہے اس نے جو ہے وہ ہر طرح کے مطلب میٹیریل اور مورل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے پیلسٹینین پیپل کو, جبکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا پیلسٹینین پیپل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا مطلب ہمدردی والا رشتہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ایران الیج سپورٹ ٹو حزب اللہ. حزب اللہ جو جماعت ہے وہ ایز ایک آرگنائزیشن وہ لڑ رہے ہیں پیلسٹینینس کی آزادی کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے ایران. ایران الیجڈلی حوثیز کو سپورٹ کرتا ہے یمن میں, اور بشار الاسد کی رجیم کو سپورٹ کرتا ہے سیریا میں, جبکہ یہ سب کام جو ہے یہ سعودی عربیہ کے ناگوار گزرتے ہیں. ایران واز ناٹ انکلوڈیڈ ان آئی ایم سی ٹی سی. آئی ایم سی ٹی سی کیا ہے؟ وہ ایک کوئلیشن بنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, اسلامک ملٹری کوئلیشن, اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوئلیشن. تو سعودی عربیہ نے یہ بنایا ہے, اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اس میں کافی سارے ملک انوالو ہیں, لیکن جو ہے انفارچونیٹلی قطر اور ایران جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے اور اس کا حصہ نہیں ہے. تو بیسیکلی سعودی عربیہ کا یہ اسٹانس ہے کہ جو اس سارے ریجن کے اندر جو بھی ملٹنسی ہے, جو بھی سارے ریجن کے اندر جو ایک وار لائک سچویشن اور سول وارز ہیں, اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایران اور قطر کا ہاتھ ہے. اس کے علاوہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, ایران امبیسی بامبنگ ان یمن, یا جنوری 7, 2016 کی یہ بات ہے کہ ایران کی فارن منسٹری میڈ دا کلیم دیٹ سعودی وار پلینز ہیڈ ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹڈ اٹس امبیسی ٹو یمن ان دا سٹی آف سنا. اب سنا میں جو امبیسی تھی یمن کی, سٹی سنا میں جو ایرانی امبیسی تھی, اس کو جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے کہ سعودی عربیہ کے وار پلینز نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس کو ٹارگیٹ کیا اور اس پہ اٹیک کیا. اس کے علاوہ ایرانی بین آن حج, اب آپ لوگوں کو یاد ہے کہ سعودی عربیہ میں ایک کرین گری تھی اور وہ ٹرین سے جو ہے وہ کافی سارے لوگ بھگدڑ اس کے اوپر مچ گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے اس حادثے میں شہید ہوئے تھے. تو ایران کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی, اور اس وقت جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ ٹرین گرائی گئی, اس جگہ پہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ جمع تھے وہ بیسیکلی ایرانین تھے, اور جتنے بھی لوگوں کو نقصان ہوا تھا وہ ایرانی لوگوں کا وہاں پہ ہوا تھا. تو یہ ایران کا یہ کلیم تھا کہ یہ سب جو ہے وہ نیگلیجنس اور انکمپیٹنس آف سعودی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پراپر اس کا انتظام نہیں کیا, وہ جو ایک حادثہ ہوا اور اس کے بعد جو ایک بھگدڑ مچ گئی, میں جب سعودی گورنمنٹ انوالو ہے, سعودی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ اپنا ایک سٹانس جو وضع کرنا چاہیے, اس کی ایک جو ہے وہ انٹروگیشن کرنی چاہیے, اس کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے باقاعدہ, جبکہ سعودی عربیہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی اگنور کیا تھا.
उसके अलावा जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट में वही बात आ गई IMCTC और ईरान की, ईरान को IMCTC से बाहर रखा गया है। बाकी जो सऊदी अरेबिया का स्टांस है कि ईरान जो है वो सारे खत्े में, सारे रीजन के अंदर, सारे जियो पोलिटिकल एरिना में ईरान ही वो मुल्क है जो दहशत गर्दी का जो है वो एक मरकज़ है। ईरान जो है वो सपोर्ट करता है दहशत गर्दों को, हर तरह के रेबल्स को सपोर्ट ईरान देता है। ईरान मटीरियल और मॉरल सपोर्ट जो है वो एंटी सऊद ग्रुप के साथ जो है वो ईरान की है। उसके अलावा यमन ऑपरेशन सपोर्ट एंड पाकिस्तान डिनाइल, पाकिस्तान ने तो डिनाइल कर दिया था जब सऊदी अरेबिया ने यमन ऑपरेशन के अंदर जो है पाकिस्तान से मदद मांगी थी, पाकिस्तान ने जो है वो माजत कर ली थी। उसके बाद जमाल खुशोगी का सारा वाक्या कि इस्तांबुल में जो है वो जर्नलिस्ट हैं और ये एग्जाइल में थे, इस्तांबुल में रहते थे ये, इनको सऊदी एम्बेसी की तरफ से बुलाया गया, इनको वहाँ पर इंटरोगेशन की गई और फिर इनको जो है वो वहाँ पे कत्ल करके इनके टुकड़े टुकड़े करके और उन टुकड़ों को जो है वहाँ पे एक सऊदी जो एम्बेसी थी इस्तांबुल में, उस एम्बेसी में जो है वो एक कुआं था, उस कुएं में इनको दबा दिया गया। और उस सबके बाद वो सारी गुफ्तगू टेप हुई और वो सारी रिकॉर्डेड फुटेज और वो सारा जो है मामला आया मीडिया पे और इस चीज़ को बहुत अच्छा लग गया है ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी और जितनी भी ह्यूमन राइट्स वाली जो है वो इस दुनिया में एजेंसीज काम करी उनकी तरफ से इसको बहुत अच्छा लग गया। और बहुत सारी गवर्नमेंट इस पर सऊदी अरेबिया से जो है वो एक तरह से उन पर प्रेशर क्रिएट किया गया, लेकिन वो प्रेशर जो है वो अचानक से इवेपोरेट हो गया, नहीं चला कि वो सारा प्रेशर कहाँ गया। तो ईरान का जो है वो के पास वो एक बड़ा अच्छा मौका था सऊदी अरेबिया के जो है वो सारे मतलब इस रीजन में उसके कामों पे जो है वो रोशनी डालने का, लेकिन सऊदी अरेबिया उस सारे फियास्को के अंदर, उस सारे मामले के अंदर जो है वो ईरान उतना एक्टिव नहीं था जितना टर्की था। तो मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी एंटी करप्शन ड्राइव, उन्होंने जो है वो अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही जो है फैमिली के लोगों को जो है वो नज़रबंद कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने एक एंटी करप्शन ड्राइव चलाई थी वहाँ पे और लोगों से उन्होंने पैसे रिकवर किए थे, उस ड्राइव का जो है वो पाकिस्तान में भी हवाला दिया जाता है और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये एस्पायरेशन हैं कि उस तरह की ड्राइव पाकिस्तान में भी चलाई जाए। उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट था पाकिस्तान में, ये भी एक रीसेंट डेवलपमेंट है। इसमें जो है वो उन्होंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म MOUs पे साइन किए हैं। शॉर्ट टर्म वाला जो है वो थोड़े से मतलब $2 बिलियन के आई गेस वो हैं MOUs। उसके अलावा जो मीडियम टर्म है वो $6 बिलियन के MOUs हैं। उसके अलावा जो मेन इसका पोर्शन है वो तकरीबन $12 बिलियन का जो है वो MOUs साइन हुए थे लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें मेन चीज़ जो थी वो ग्वादर में एक ऑयल रिफाइनरी लगाना थी और अगले 10 साल में ये ऑयल रिफाइनरी जो है वो ग्वादर में लगाई जाएगी। इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को रिसेंटली हेल्प प्रोवाइड किए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए। पाकिस्तान का खजाना तकरीबन खाली हो रहा था और पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना था। सऊदी अरेबिया ने जो है वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के मतलब स्टेट बैंक के ऑफिशियल अकाउंट में सबमिट करवाए थे और ये जो डिपॉजिट्स थे ये फिक्स डिपॉजिट थे, इनको पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि जो डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया था हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के लिए, ये डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट था और ये स्टेट बैंक के अकाउंट में पड़ा है और इस पर उसको पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है और इस पे जो है वो हमने न सिर्फ हम इनको यूज़ नहीं कर सकते बल्कि हमें इस पे सऊदी अरेबिया को इंटरेस्ट भी देना होगा। सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान में ये $3 बिलियन रखवाए हैं ये हमें इस पे इंटरेस्ट भी सऊदी अरेबिया को आई थिंक 3.25% पे इंटरेस्ट भी पे करना है और हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा जो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स में क्या होना चाहिए, विजिबल न्यूट्रल गवर्नमेंट ऑफरिंग टू प्ले एज मीडिएटर डज ऑफर सेंस ऑफ कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी दी स्टेबलाइज अगेन दिस सेक्टेरियन वायलेंस। अब वही बात है कि हमें सेक्टेरियन वायलेंस से निकलना है, इस सारे चक्कर से हमें निकलना है। ये $46 बिलियन वर्थ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, 64 है, ये टाइपिंग एरर है, 64 बिलियन की सरमायाकारी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो पाकिस्तान में आई है और हमें इसको इस सरमायाकारी को, इस फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मटीरियलाइज करना है। हमें अपनी इकॉनमी पर, अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी है ताकि हमारी इकॉनमी ग्रो हो, हम ट्रेड जो है वो कर सकें, हम ओपन अप कर सकें और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को बेटर कर सकें। और हम जो है आपसे ट्रेन वॉलेंस किसी किस्म उनका जो है वो सेक्टेरियन ड्राइव जो है पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते। हम एक मतलब एक पीसफुल मुल्क है और हम पीसफुली रहना चाहते हैं। वो नीड टू क्रिएट ए गुड बैलेंस ऑफ बाय अवॉइडिंग फ्रॉम टेकिंग साइड्स ऑफ प्लेइंग टेक्टफुली ऑन बोथ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स। वही बात आई कि हमें जो है वो अलाइनमेंट्स अपनी नहीं बनानी,
हमें किसी के साथ अलाइन नहीं होना, हमें सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए और हमें जो है वो ट्रेड पार्टनरशिप चाहिए, हमें स्ट्रेटजी को ट्रेड पार्टनरशिप पे तवज्जो देनी है और हमें जो है वो बैलेंस रखना है अपने तमाम साइड पे और जो है वो टेक्टफुली जो है हमें डिप्लोमेटिकली भी और पोलिटिकल फ्रंट से भी हमें इन चीज़ों को हैंडल करना है। इसके बाद जो है वो सी पैक इज़ अ बायलेटरल प्रोजेक्ट। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, हम इसको चाइना पाकिस्तान सऊदी अरेबिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं कहते। तो पाकिस्तान जो है वो इस बायलेटरल प्रोजेक्ट में अगर भी किसी को इंक्लूड करना चाहता है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो कोई और मुल्क है, अगर पाकिस्तान इसको इंक्लूड करना चाहता है तो पाकिस्तान को पहले इसको चाइना से कंसेंट लेना है इसका, और अगर चाइना से पाकिस्तान ने कंसेंट नहीं लिया तो ये चीज़ें बैकफायर कर जाएंगी, जो कि बैकफायर किया इन चीज़ों ने। जब सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आया, सडनली पाकिस्तान मीडिया ने यह खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरेबिया सी पैक का हिस्सा बना रही है और गवादर में ऑयल रिफाइनरी लग रही है, तो ये चीज़ जो है इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को, और इस पर जो है वो ऋषि जिनपिंग ने बाकायदा जो है वो उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वार्न किया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और इस चीज़ को जो है बड़े स्केप्टिसिज्म से देखा गया है चाइनीज सर्कल्स के अंदर। तो हमें जो है वो उस बायलेटरल प्रोजेक्ट को अगर बायलेटरल लेना चाहिए, किसी किस्म की यूनिलेटरल इंडक्शन जो है वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और हम अगर भी किसी को इंडक्ट करेंगे इसके अंदर तो हमें सिर्फ चाइना के कंसेंट से इसको इंडक्ट करना चाहिए। सेकेंडली जो है वो हमें जो भी सेक्टेरियन फैक्शंस को फंडिंग हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया से, हमें उनको खत्म करना है, हमें उन पर जो है वो किसी किस्म का जो है वो उस पर किसी का भी समझौता नहीं करना। FATF की जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है वो भी इसी वजह से ही है कि हम जो है वो इस तरह के जो बाहर से एक तरह से प्रॉक्सीज को फंडिंग आती है हम उनको रोकने में नाकाम हो चुके हैं, तो हमें उनको रोकना है ताकि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर हो जाए हमारा और हम FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएँ और पाकिस्तान में एक जो ब्लैक इकॉनमी का एक माहौल बना वो भी किसी हद तक काम हो जाए। न्यूट्रैलिटी रखनी हद तक रीजनल डिस्प्यूट्स के अंदर, और पाकिस्तान को किसी भी किस्म साइज नहीं लेनी चाहिए, हमें फ्रेंडशिप बनानी चाहिए इस सारे रीजन के अंदर, हमें कतर से तल्लुक अच्छे करने चाहिए, ईरान से तल्लुक अच्छे करने चाहिए, हमें जो है रशिया से तोड़ना पड़ना है, हमें US के साथ अपने रिलेशनशिप बैलेंस रखने हैं, हमें अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है, चाइना के हमारे पहले इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमने जो है वो न्यूट्रलिटी को लेकर चलना है। इन सब रीजनल डिस्प्यूट्स में हमें जो है वो किसी किस्म की साइड नहीं देनी। अगर कल को हम सऊदी अरेबिया ऑफर करता है कि नहीं आप यमन में हमारे साथ आ जाएं तो हम नहीं जाएंगे, अगर इस तरह से हमें ईरान ऑफर करता है कि आप सीरिया में जो है वो हमें सपोर्ट करें तो हम नहीं करेंगे, ना हमें करना चाहिए। जिंदा कौम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस नहीं लेती, नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकते मजीद।